पंजाब केसरी डॉट कॉम देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनुज यादव। दिल्ली के महरौली में हुए श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफताब पूनावाला पर सोमवार को जानलेवा हमला हुआ। बता दें एफएसएल में पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद आफताब के बाहर निकलने पर हवा में तलवार लहराते हुए और हाथ में हथौड़ा लेकर हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं ने उस पर हमला बोल दिया। जानकारी के मुताबिक जैसे ही आफताब को पुलिस वैन में बैठाकर जेल ले जा रही थी, इसी दौरान पहले से घात लगाए बैठे हमलावरों ने वैन को घेर लिया, जिसके बाद आफताब को बाहर निकालने और जान से मारने का प्रयास करने लगे। तभी सुरक्षा में तैनात जवान को मजबूरन पिस्टल निकालनी पड़ी। पुलिस ने हमलावरों को पीछे हटने के लिए चेतावनी दी और फायरिंग की चेतावनी भी दी, लेकिन उसके बाद भी हमलावर नहीं रुके। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस ने स्थिति को संभालते हुए दो हमलावरों को पकड़ लिया है, जबकि बाकी हमलावर फरार होने में कामयाब रहे। दिल्ली पुलिस ने बताया कि हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं ने रोहिणी कोर्ट के बाहर आफताब पर हमला करने की कोशिश की। इन कार्यकर्ताओं ने जो कुछ भी किया वह उनकी निजी भावना है। वहीं पकड़े गए हमलावर निगम गुजर ने बताया कि गुड़गांव से सभी 15 लोग आफताब के टुकड़े करने आए थे। हम सुबह 11 बजे से आफताब का इंतज़ार कर रहे थे। उसने हमारी बहन के 35 टुकड़े किए, उसके बदले में हम उसके 70 टुकड़े करेंगे। वहीं आफताब पर हमले को लेकर पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। एफएसएल के बाहर आफताब पर हुए हमले को लेकर लोकल पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जिस वक्त आफताब को एफएसएल ले जाया गया, इस दौरान वहाँ लोकल पुलिस मौजूद नहीं थी। बता दें कैदियों को कोर्ट से लाने ले जाने का जिम्मा दिल्ली पुलिस की 3rd बटालियन का होता है। वहीं इस मामले पर सफाई देते हुए DCP 3rd बटालियन ने बताया कि जेल वैन बेहद सुरक्षित होती है। हमलावरों की तरफ से हमला करने के बावजूद भी दिल्ली पुलिसकर्मियों ने साहस और सूझबूझ का परिचय देते हुए आफताब की गाड़ी को बाहर निकाल लिया। वहीं दिल्ली पुलिस ने बताया कि हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं ने रोहिणी कोर्ट के बाहर आफताब पर हमला करने की कोशिश की थी। इस केस में पुलिस को हथियार बरामद हुए हैं, जिसमें इस केस को मजबूती मिल सकती है। वहीं दिसंबर में आफताब का नार्को टेस्ट भी होना है। इसी के साथ तमाम अपडेट जानने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी.com। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।